गाइस जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए एंट्रेंस एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपके जो एग्जाम होते हैं यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ट्वेल्थ लेवल के, तो वही यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके अच्छे खासे नंबरिंग आ जाए आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, आपके फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, वीडियो तो आपको रोजाना मिलता रहेगा, आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, वीडियो रोजाना मिलेगा ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ सके, ठीक है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के, तो आपके लिए सभी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की सांद्रता यहाँ पर दी हुई है 8 × 10⁻⁴० सेंटीमीटर क्यूब, ए होल की सांद्रता 5 × 10⁻½ सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धचालक होगा किस प्रकार का होगा, एन टाइप, पी टाइप, आंतरिक अर्धचालक या फिर पीएनपी टाइप। और गाइज इस चैप्टर से सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से तो 100% क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा सेमीकंडक्टर वालों को देख लेना। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का, उनका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका तो सभी को पता होगा कि एन टाइप का होगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एन टाइप। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल आ गया आपका, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, हो गया जी। एक 5 ग्राम की गोली 100 मीटर/सेकंड के चाल से चलते हुए लकड़ी के एक ब्लॉक में 6 सेंटीमीटर तक घुस जाती है, गोली द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया औसत बल है कितना लगभग। इंग्लिश का सारा ले सकते हो आप। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर/सेकंड एंड इंसर्ट इन द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट एवरेज फोर्स इम्पल्स ऑफ ब्लॉक बाय बुलेट विल बी, ठीक है, तो औसत बल आपको बताना है जी। ऑप्शन आपके सामने है 8300, 417 न्यूटन, 830 न्यूटन या फिर शून्य, ऑलमोस्ट कितना हो सकता है गाइस। सो गाइस, हमारे जैसे हमने इसको सोल्व किया तो हमने पाया कि इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए 830, ठीक है, बट यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है देख पा रहे होंगे कि 417 दिया हुआ है, जो कि हमें गलत लग रहा है। सो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपकी क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है, तो किस प्रकार से हमने सोल्व किया था आपको भी करना है ताकि आपकी जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसके 830 आंसर बनेंगे, ठीक है, तो चलिए। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि आपका जो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, राइट, तो यहाँ पर हमको देखिए ये फॉर्मूला तो सबको ऑलमोस्ट पता है, अगर पता नहीं है तो पता कर लेना, आज से याद रख लेना इसको। यहाँ पर ए की वैल्यू इन्होंने वी अपॉन टी से, ठीक है, एन टी को इक्वल टू एक्स अपॉन वी, राइट, अब इसको मास जो इन्होंने किलोग्राम में कन्वर्ट है, राइट, किलोग्राम में देख पा रहे होंगे आप, तो एक का यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 100 स्क्वायर बाय 6 × 10⁻², ठीक है। अब देखिए आपका जो ये फॉर्मूला है इसमें इन मानों को हम कोट कर देंगे, जैसे कि एम है तो एम तो आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो किलोग्राम में इसका अपॉन 1000 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, एम की वैल्यू हमने कोट कर दी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोई भी बात समझ में नहीं आई कमेंट कर देना। और एक का वैल्यू क्या रहेगा, तो एक का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, तो एक का वैल्यू हम यहाँ पर प्लिक कर देंगे, ये आपका एक का वैल्यू, राइट, तो आपका जो एफ इजक्वल टू एम ए है उसको सोल्व करने पर हमको ये प्राप्त हो रहा है 833, ऑलमोस्ट जैसे कि हमने देखा था 830 उसके लगभग आ रहा है, तो हमने जैसे जैसे सोल्व किया तो हमारा तो आंसर ये रहा, ठीक है, 830, क्लियर। आपका जो न्यूमेरिकल था वो हल हो गया है, ठीक है, जैसे कि आपकी डिमांड थी सर हल करवाया करो, हमको डाउट रहता है, तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है,
इसको लेकर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट कर देना, हम उसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगा उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पे। फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है वैसे अगर देखा जाए तो वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, ठीक है, क्लियर है, ये इसका सोल्यूशन है। सो गाइस, जैसा आपने अभी सॉल्यूशन देखा किस प्रकार से हमका आंसर आया था, सेम यही क्वेश्चन था और हमारे ये आंसर आ रहा था, तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि 830 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पर क्या दे रखा है करेक्ट ऑप्शन, ये गलत है, ठीक है। और आपका क्या कहना है इस सवाल के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके गाइस, चलते आगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस प्रकार के आपको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया देख लो, बहुत बढ़िया समझाएंगे इसको, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चार संधारित्र यानी कि कैपेसिटर दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ से जुड़े हुए ए और बी के बीच आपको प्रभावी धारिता माइक्रोफेराडे में बतानी है। ये ऑप्शन आपके सामने है, 28/8, 4/5/18। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो इसको हम हल करेंगे तो हमको राइट ऑप्शन इसका 5 मिलेगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 5 होगा। बट 5 क्यों होगा ये आप जानना चाहते हो, किस प्रकार होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फोकस कीजिए इस चित्र पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिख गया इसमें जो दिया हुआ है बिंदु ए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पर बी है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ये इसको भी ए मान सकते हैं अपन, इस वाले बिंदु को, इस वाले को, क्योंकि ए की बात है, ये इससे कनेक्टेड है, कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, और इसको सी मान सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए वाले तो कितने हैं यहाँ पे, ए और सी से किस प्रकार से मैच हो रहा है, ए और सी के बीच में दो आ जाएंगे, और आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देते ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है, तो डायग्राम में आपको समझा देते इसको। सो गाइज, पहले तो आपको इसको सरल रूप में लिखना होगा, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे इसका सरल रूप आपको लिखना होगा, तो चलिए हम इसका सरल रूप लिख लेते हैं। चलिए, सो गाइज, उसका सरलतम रूप ये हो जाएगा, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये इस प्रकार से उनको जमाना होगा आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि बिंदु ए और सी, ठीक है, देख लेना डायग्राम में, ए और सी और बी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तीन बिंदु है आपके, तो हमारे पास ए और सी के बीच में एक तो 2 माइक्रोफेराडे का है कैपेसिटर है, और दूसरा 2 माइक्रोफेराडे, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और जो दूसरा बिंदु है ए और बी देख पा रहे हैं ना, तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं पहले वाले को, तो ये पैरेलल है, और पैरेलल में आपको पता है किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, जिस प्रकार ये हो रहा है C1 + C2 दोनों जुड़ जाएंगे पैरेलल में, सो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफेराडे, राइट। अब ये तो हमने सोल्व कर लिया कि आपका 4 माइक्रोफेराडे हो जाएगा, राइट। अब जो दूसरा वाला है हमारा, देख पा रहे होंगे आप, दूसरा वाला जो ये 4 हो जाएंगे यानी कि दोनों एक हो जाएंगे, तो अब आपको ये और ये यानी कि ए सी और सी बी सीरीज क्रम में लग रहे होंगे। अब सीरीज क्रम में क्या होता है आपको खुद को पता है कि सीरीज क्रम में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने पैरेलल के रूप में जोड़ लिया, ये 4 हो गए। अब 4 को और 12 को श्रेणी क्रम में आपको कनेक्ट करना है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं C1 × C2 / C1 + C2, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको समझाने के लिए पूरा क्लियर किया है गाइस, ताकि हमारे चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे, और यहाँ से पढ़ने वाले अभ्यर्थी सबसे बेटर आगे निकले, ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है बड़ी आसानी से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे रोजाना आपको, तो वीडियो ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी हो सके। ये हमने पैरेलल का कर लिया, ये सीरीज का हो गया C1 × C2 / C1 + C2, तो C1 कितना है हमारे पास, 4 है, राइट, दोनों कनेक्ट होने के बाद 4 हो जाएगा। C2 कितना है, 12, तो सिंपल इसमें कोट कर देंगे तो आपके कितना आंसर आ जाएगा, 3 माइक्रो फेराडे,
यानी कि इसको सोल्व करने के बाद 3 माइक्रोफेराडे आपका हो जाएगा, इनको सोल्व करने के बाद 3 माइक्रोफेराडे। अब 3 माइक्रोफेराडे और नीचे दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराडे, अब ये किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है C1 + C2, ठीक है, यानी कि आपका कनेक्ट होता है। तो कर लो 3 और 2 कितने होते हैं 5, जैसा कि नीचे दिया हुआ है, तो आपका टोटल कितना हुआ 5 माइक्रोफेराडे। तो हमारा भी आंसर 5 ही तो था ना, 5 ही तो था, 5 माइक्रोफेराडे। तो इस प्रकार से आपका 5 माइक्रोफेराडे आंसर आया हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझा दिया है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो जो आपका वो दिया हुआ था उसका सरलतम रूप आपको लिखना है, और सब लिखने के बाद ये 3 पॉइंट हो गए ए सी बी। हमारे पास यहाँ पर ए सी समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल थे, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो 4 आ गए, और 4 फिर 12 श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे, और 3 और 2 फिर वापस पैरेलल में हो गए तो उनको पैरेलल में कनेक्ट करके 5 आंसर आ जाएंगे, सिंपल। फिर भी कोई डाउट है गाइज हमारे चैनल पर आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छा समझाने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बनते हैं, बीएस नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, पैरामेडिकल में और फार्मेसी में, ठीक है, किसी का भी एग्ज़ाम तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इसका तो हमने कर ही लिया सॉल्यूशन, अभी करके आए हम, और इसका 5 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। चलते आगे एक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना गाइज, दूसरा वाला भी कर लेना हमारा जीके एमसीक्यू जेम के, ताकि आपका थोड़ा सा कैरियर अच्छा बन जाए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते, सिंपल सा क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल है थोड़ा, कि 2 समान आयतन के पात्रों में 1 समान गैस रखी गई है, जिसमें दाब क्रमशः P1 एवं P2 और परमताप T1 और T2 है। वाहिकाओं को आपस में जोड़ते हुए गैस सामान्य दाब P और सामान्य ताप T पर पहुंच जाता है, तब P/T का अनुपात है। ये तो थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होगा, तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल के लिए हम आपकी ट्रेनिंग अवश्य करवा, आपको ट्रेंड करवा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके MCQ MK चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हम थ्योरेटिकल बातें करते हैं टोटल, तो जाके फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है गाइज, लिंक दे दिया उस चैनल का, ताकि वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका P1/2T1 + P2/2T2, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि विद्युतीय क्षेत्र में रखा एक इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर बल अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड विल बी। ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Mg/E। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये ही क्यों होगा, Mg/E क्यों होगा, तो चलिए थोड़ा सा डाउट है आपका तो क्लियर ही कर देते इसको क्यों होगा, थोड़ा सा देखना समझना। सो गाइज आप सभी जानते हैं कि F=2 क्या होता है आपका, F=2 क्यों ही होता है, राइट, होता है ना, ये भी पता नहीं तो आपकी बहुत गहराई में हो आप, F=2 क्यों ही होता है, राइट। तो यहाँ पर E=F/Q हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से E को निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर F/Q हो गया, यानी कि इसको = हम क्या बोल सकते हैं, Mg/E बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, सिंपल। तो यही तो हमारा वो क्वेश्चन था, क्लियर। तो इसीलिए हमारा Mg/E आया हुआ है, ये रहा आपका Mg/E, राइट। चलिए आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा भी होगा तो आप कमेंट कर दोगे, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है YouTube ने, और YouTube पे तो आजकल इतनी अच्छी खासी तैयारी करवा रहे हैं हम, कि बहुत सारे आपका तो लगभग जितने भी देख रहे हो ना आप, खुद ग्रह होगा आपको। यदि 2 लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः F1 F2 है
और संयोजन से बने नवीन लेंस की फोकस दूरी f है, तो द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली द आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू लेंस फोकल लेंथ है फॉर्म्ड। आपके सामने ऑप्शन और लेंस का कॉम्बिनेशन तो लगभग सबको पता होगा, दर्पण का, लेंस का, तो संयोजन तो आपको सबको पता होगा, ट्वेल्थ में आपके टीचर ने भी बता दिया होगा, नहीं बताया तो ये रहा, सिंपल सी बात है। एफ इज इक्वल टू एफ वन, याद रखना आप, एफ टू ये होता है एफ वन प्लस एफ टू। कैपेसिटर के लिए भी यही हमारा अप्लाई होता है, अभी हम करके आए थे ना सवाल, तो उसमें भी ये अप्लाई होता है समांतर के लिए, श्रेणी के लिए, ठीक है, पैरेलल के लिए सॉरी। तो दो चीज़ों के लिए अलग कंडीशन अप्लाई हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। चलते आगे, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो किसका मान दोगुना हो जाता है। इफ द वेलोसिटी ए बॉडी पी डबल्ड द विच इक्वल टू वी बी डबल्ड, बहुत अच्छा है, त्वरण जिसको एक्सेलरेशन आप बोलते हो, संवेग मोमेंटम गतिज ऊर्जा या फिर भार, किसका मान दुगना हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संवेग मोमेंटम का, ठीक है, संवेग मोमेंटम याद रह जाएगा, प्रैक्टिस करवा रहे, अगर याद नहीं रहता है ना दो से तीन बार देख लेना वीडियो, सब कुछ याद रह जाएगा। और आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जितने भी वीडियो डाले ना अपनी ईमानदारी से दो से तो तीन बार तो देखना ही आपको, ताकि सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन अगले, समान त्रिज्या और आवेश की आठ बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद का विभव होगा दो गुना, चार गुना, आठ गुना, अपवर्तित। ये जो क्वेश्चन है ना नॉलेज वाले, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप कर पाओगे इसे। समान त्रिज्या है और आवेश की आठ बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, नई बूंद का विभव कितना होगा। आपने भी सिलेक्ट कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका चार गुना, ठीक है, याद रखना है आपको चार गुना। अगला क्वेश्चन, एक चल कुंडली धारा मापी में धारा आय का कुंडली के विभव विक्षेप थीटा से संबंध है। एक चल कुंडली धारा मापी में धारा आय का कुंडली के विक्षेप थीटा से क्या संबंध है गाइस। इसका जो संबंध है गाइस, आय समानुपाती थीटा के, ठीक है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, मैं ई दर्शाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, नॉलेज चेक कर ली, क्योंकि बहुत सारे रट लेते हैं ना कि हाँ ई इज इक्वल टू एच ई माइनस थीटा, बट उनको पता नहीं होता एच क्या है, वी क्या है, ई क्या है, तो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे बीएस नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, फार्मेसी का हो गया, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके, और इनकी तैयारी के लिए ये बेस्ट चैनल है आपको यूट्यूब पे, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध कराता है, कराता आया है, कराता रहेगा। कर लिया होगा आपने, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, या फिर उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको इसको, तो ठीक है, तो हम आपको समझाएंगे क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर जो हो। एक सीधे चालक में आय धारा प्रवाहित हो रही है जो चित्रानुसार एक आर त्रिज्या के कुंडली में विभक्त हो जाता है, वृत्त के केंद्र ऊपर बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ के लिए पूछा है, तो कितना होगा मान इसका, ऑप्शन आपके सामने है, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीरो, जीरो, ठीक है, सुनने। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि जीरो कैसे होगा, तो चलिए हल कर लेते हैं इनका, क्योंकि कैसे होगा जीरो,
ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर किसी को डाउट नहीं रहना चाहते, सबका क्लियरिटी से काम होना चाहिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सो गाइज, उसका कारण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ड्यू टू द एंटी क्लॉकवाइज करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन, ड्यू टू द क्लॉकवाइज करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन टू द प्लेन, द विल कैंसिल, ख़त्म हो जाता है, इच ऑफ द नेट ज़ीरो। ठीक है, तो इस वजह से वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इस कारण से हमारा आंसर क्या था, ज़ीरो। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़ीरो था, कारण हमने देख लिया। अभी चलते हैं तो आगे। सो अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी मीनार से गिराई गई कोई गेंद यात्रा के अंतिम 2 सेकंड में 60 मीटर की ऊंचाई दूरी तय करती है, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ ली गया है, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 95, 60, 80, 19 मीटर। हाइट आपको निकालनी है गाइस, एच आपको निकालना है बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा MGH। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। और इसका राइट ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, क्यों होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बता देना कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में उसको हल कर लेंगे। है तो डाउट वैसे बेसिकली आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा समझाने वाला आ गया है। तो यदि सरल लोलक की लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल में वृद्धि होगी। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बी इंक्रीज 1%, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज 1%, 0.15%, 0.7% या फिर 2%। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.5%। बट ये आंसर 0.5% क्यों होगा, पता है आपको? तो अभी चलिए सोल्व करवा देते हैं आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपको लाइफ टाइम के लिए ये सवाल याद हो जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको करवा देते हैं कि इसका 0.5% आंसर क्यों होगा। चलिए, सो प्रिय विद्यार्थियों, लीजिए आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्लियर करके आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π/√L/Z। ये तो सबको पता होगा, पता नहीं है तो पता कर लो अभी से। ठीक है, यानी कि टी आपका समानुपाती है एंड्रूड एल के, कोई शक नहीं। अब ये होता है आपका, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी, यानी कि इक्वल टू 1/√L/L, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 1%। अब डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 × 1% आपका हो जाएगा, तो यानी कि आपका 0.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है गाइस, इसको कोई भी डाउट है तो बता देना। देखो, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो आपके, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, इसको हल करते जाना है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सके। ठीक है, तो इस कारण से आपका 0.5% आंसर सही है। सो इतना फंडामेंटल निकालने के बाद हम टिक लगा पाएंगे 0.5% पे। ठीक है, चलते आगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो रोजाना आपको मिलते रहे, तैयारी आपकी होती रहे। सम विभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच कोण होता है, कितना होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। सम विभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच कोण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा, टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 डिग्री। बट गाइज, 19 डिग्री क्यों होगा, क्या आपको पता है, जानते हो? सो आपका डाउट क्लियर कर देते, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे 19 डिग्री क्यों होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको करोक के दिखा देते। तो चलिए स्क्रीन पे हाजिर है आपका सॉल्यूशन। सो गाइज, ये देख पा रहे हैं आप सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका डायग्राम भी हमने अवेलेबल करवा रखा है।
थीटा, और ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ई एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद आप लिख सकते हो उसको ई डी एस, ठीक है। अलोंग सरफेस की बात करें तो वी सेम यहाँ पर दिया हुआ है, तो जैसे इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर 19 डिग्री निकल के आ जाएगा और आप 90 डिग्री पे क्लिक कर दोगे, राइट। कोई शक कोई डाउट आपको लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर हमको सवाल नंबर इतने पे डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इजीली समझा देंगे आपको, ठीक है। चलते आगे, ये देखो लास्ट में 90 डिग्री आपका आ गया। तो इन सभी कारणों की वजह से आपका आंसर क्या है, राइट ऑप्शन यहाँ पर 19 डिग्री टिक लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉन द्वारा, होल द्वारा, होल या इलेक्ट्रॉन किसी के भी द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होल के द्वारा होता है, ठीक है ना, पी प्रकार में, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पी प्रकार में होल के द्वारा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम रोजाना आपको करवा रहे हैं दो दो चैनलों पे, दूसरा चैनल है जीके, एमसीक्यू एमके, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।